दोस्तों, बॉलीवुड के एक्टर रह चुके सुशांत सिंह राजपूत इस जगह ले चुके हैं पुनर्जन्म। बताया जा रहा है कि ये लड़की मशहूर अदाकारा श्रीदेवी का पुनर्जन्म है और इनके अलावा भारत के कई मशहूर हस्तियों ने लिया है पुनर्जन्म, जिन्हें देखकर लोगों की भीड़ उमड़ आई और हर जगह खलबली मच गई। आखिर क्या है पूरी सच्चाई? क्या वाकई में सुशांत और श्रीदेवी का पुनर्जन्म हुआ है और इनके अलावा कौन लोग हैं जो पुनर्जन्म ले चुके हैं? क्या पुनर्जन्म सच में होता है? जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। पुनर्जन्म के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा। कुछ लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, मगर वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पुनर्जन्म जैसी बातों को जरा भी नहीं मानते और पुनर्जन्म को सिर्फ एक मिथ समझते हैं। पुनर्जन्म के बारे में कहा जाता है कि हमारी आत्मा शरीर बदलती है और किसी की मृत्यु हो जाने के बाद उसे दूसरा जन्म मिल जाता है, जिसे पुनर्जन्म कहते हैं। लेकिन ऐसा वाकई में होता है, इस बात का दावा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि इंसान का जीवन खत्म होने के बाद क्या होता है ये बात कोई नहीं जानता। लेकिन दोस्तों, इसके बावजूद ऐसी कई घटनाएं सामने आती रहती हैं जो पुनर्जन्म जैसी बातों पर विश्वास करने के लिए मजबूर कर देती है। भारत देश में ही लोगों का कई बार पुनर्जन्म हुआ है और लोगों की ये सच्ची कहानी सभी को हैरत में डाल देती है। अगर आप भी ये कहानी सुनेंगे तो दांतों तले उंगली दबा लेंगे। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको भारत देश में हुई पुनर्जन्म की हैरान कर देने वाली घटनाएं बताते हैं। सुशांत सिंह राजपूत। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत बॉलीवुड के वो टैलेंटेड एक्टर रहे हैं जिनकी अहमियत लोगों को इनके जाने के बाद समझ में आई। सुशांत सिंह ने अपनी लाइफ में बहुत कुछ फेस किया, जिसके आखिर में सुशांत ने हार थक कर अपनी जिंदगी को खत्म करने जैसा फैसला लिया। इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया, क्योंकि सुशांत सिंह सभी के चहेते स्टार बन चुके थे। इन्होंने बॉलीवुड की कई हिट फिल्में भी की। इनके दुनिया छोड़ जाने का सभी को बेहद दुख हुआ। वहीं दोस्तों, इनके जाने के बाद एक खबर वायरल होने लगी। वो खबर ये थी कि राजस्थान में सुशांत राजपूत का जन्म हो चुका है। जी हाँ, जैसे ही सुशांत के पुनर्जन्म की बात आई तो उसे सुनकर हर कोई चौंक गया। किसी ज्योतिषी ने कहा था कि सुशांत सिंह का जन्म राजस्थान में हो चुका है। सुशांत सिंह राजपूत एक बड़े राजपूत घराने में जन्मे हैं। इन ज्योतिषी ने यहाँ तक कह दिया कि सुशांत इस बार फिर एक बड़े एक्टर बनेंगे और मुंबई आकर उन लोगों से बदला लेंगे जिन्होंने उनके साथ गलत किया था। बताया जा रहा है कि अभी सुशांत का पुनर्जन्म लेने वाला बच्चा बहुत छोटा है। जैसे ही ये बच्चा बड़ा होगा और बोलना सीखेगा तो हो सकता है कि उसे अपने पिछले जन्म की बातें याद आ जाए। नेक्स्ट इज श्रीदेवी। दोस्तों, श्रीदेवी हिंदी सिनेमा की मशहूर एक्ट्रेस रही है। इन्होंने अपनी अदाओं, खूबसूरती, डांस और अपने एक्टिंग के टैलेंट से लाखों लोगों के दिलों में जगह बनाई। भले ही श्रीदेवी को दुनिया छोड़े हुए 5 साल बीत चुके हैं, मगर आज भी लोग श्रीदेवी को याद करते हैं। दोस्तों, हैरानी वाली बात यह है कि श्रीदेवी को अंतिम सांस लिए 3 दिन भी नहीं हुए थे और एक बच्ची का ये वीडियो तेजी से वायरल हुआ, जहां लोगों ने इस बच्ची को श्रीदेवी का पुनर्जन्म बताया, क्योंकि इस बच्चे की आंखें और चेहरा हूबहू श्रीदेवी से मिल रहा था। ये बात तेजी से चारों ओर फैल गई। लेकिन जब मीडिया वालों ने इसकी जांच पड़ताल की तो पता चला कि बच्ची का ये वीडियो काफी वक्त पुराना है, जिसके बाद ये घटना महज एक अफवाह साबित हुई। कल्पना चावला। दोस्तों, इस लिस्ट में कल्पना चावला का भी नाम है। कल्पना चावला, जो कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला रही, जिन पर पूरे देश को गर्व है। अगर इनके पहले जन्म की बात की जाए तो भारत के करनाल हरियाणा से इनका जन्म हुआ। इनका जन्म 17 मार्च 1962 में हुआ। कल्पना अपने 4 बहनों में सबसे छोटी थी। ये बहुत ही होशियार थी और अंतरिक्ष में घूमने के सपने देखा करती थी। कल्पना ने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ाई की और महज 20 साल की उम्र में ही 1982 में US चली गई। वहीं आगे की पढ़ाई करके वो नासा के प्रसिद्ध वैज्ञानिकों में से एक बन गई। मगर अफसोस, अंतरिक्ष से लौटते वक्त एक दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। लेकिन आपको बता दें कि कुछ साल पहले ही खबर आई थी कि श्रीलंका में कल्पना का पुनर्जन्म हुआ है। श्रीलंका में रहने वाले इस लड़के का नाम सेनुरा है, जिसकी तुलना कल्पना से की जा रही है, क्योंकि ये बच्चा भी कल्पना की तरह बचपन से ही होनहार है और कम उम्र में ही इसे हिंदी इंग्लिश भाषा का भी अच्छा ज्ञान है। ये बात बिल्कुल आम नहीं है, क्योंकि सेनुरा के परिवार में हिंदी इंग्लिश नहीं बोली जाती। ये जहाँ रहता है वहाँ के लोग सिर्फ तमिल और श्रीलंकन की भाषा में ही बोलते हैं, जिस वजह से इसने मीडिया का भी ध्यान अपनी तरफ खींचा। इस बच्चे को कल्पना के पुनर्जन्म से इसलिए जोड़ा जा रहा है क्योंकि बच्चे ने अपने पुनर्जन्म के समय हुई दुर्घटनाओं के बारे में बताया है। नेक्स्ट इज भूटान प्रिंस। दोस्तों, ये घटना भारत की तो नहीं है, लेकिन भारत से जुड़ी हुई है, क्योंकि एक बार भूटान के रहने वाले प्रिंस ने यह दावा किया कि उन्होंने अपने पिछले जन्म में भारत के नालंदा विश्वविद्यालय से पढ़ाई की थी। साथ ही भारत के बारे में कई ऐसी जानकारियां भी दी है जो सच साबित हुई है, जबकि भूटान के प्रिंस की उम्र उस वक्त बहुत छोटी थी और वो कभी भारत नहीं आए थे। लेकिन जिस तरह उन्होंने अपने पिछले जन्म और भारत के बारे में बताया, उसे सुनकर हर कोई हैरान था। नेक्स्ट इज शांति देवी। दोस्तों, इसके बाद पुनर्जन्म
का एक दिल दहला देने वाला किस्सा है शांति देवी का। आप में से काफी लोगों ने ये कहानी शायद पहले भी सुनी होगी, जहां एक शांति देवी नाम की महिला ने बचपन से ही ये दावा करना शुरू कर दिया था कि इनका पुनर्जन्म हुआ है। ये कहानी जिसके कान में भी पड़ी वो सुनकर चौंक गया। शांति देवी जब मात्र 4 साल की थी तभी से अपने पिछले जन्म के किस्से दोहराने लगी। इनका जन्म दिल्ली में हुआ, लेकिन जब ये 4 साल की बच्ची थी तब इनको बोलना आया, तब ये मथुरा की भाषा में मथुरा के किस्से सुनाने लगी, जबकि जन्म लेने वाली ये बच्ची कभी मथुरा गई ही नहीं, जिसे सुनकर सभी लोग दंग हो गए। ये घटना 1930 की है, जब मथुरा की लुगदी देवी ने शांति बनकर दिल्ली के एक घर में दोबारा जन्म लिया। इन्होंने बचपन से ही अपने पिछले जन्म की बातें बताई, जो बाद में जाकर सही साबित हुई। इस घटना ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा और कई एक्सपर्ट्स द्वारा रिसर्च किए जाने के बाद ये पाया कि शांति देवी का जन्म एक पुनर्जन्म की घटना है। यहाँ तक कि इसकी जांच पड़ताल करने के लिए महात्मा गांधी भी शांति देवी से मिलने आए। नेक्स्ट इज कृषा। दोस्तों आप बताइए कि कैसा लगेगा जब बिना स्कूल गया बच्चा फर्राटेदार इंग्लिश बोलने लगे, जबकि वो भारत में पैदा हुआ हो। ऐसा ही हुआ राजस्थान के एक मारवाड़ी परिवार में, जब मारवाड़ी परिवार में पैदा होने वाली बच्ची जो अभी स्कूल तक नहीं गई, वो अचानक फर्राटेदार इंग्लिश बोलने लगी। राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक बच्चे का जन्म हुआ और इस बच्चे की मां ने बताया कि इनके परिवार में कोई भी व्यक्ति अंग्रेजी भाषा में बात नहीं करता, ना ही कभी कोई अमेरिका गया है, लेकिन उनकी 3 साल की बच्ची जिसका नाम कृषा है, वो अमेरिकी इंग्लिश में ऐसे बात करती है जैसे वो इंग्लिश बोलने में एक्सपर्ट हो। आपको बता दें कि कृषा इंग्लिश बोलने के साथ साथ ये भी कहती है कि वो कैलिफोर्निया की रहने वाली है, एक योगा टीचर है। उसने अपना नाम कृषा नहीं बल्कि सिरसा बताया। दोस्तों ये बात हमेशा हैरानी में डालती है कि जिस परिवार का अमेरिका से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं, उस परिवार की बच्ची इतनी अच्छी इंग्लिश कैसे बोल लेती है। यही बात सभी को ताज्जुब में डाल देती है। इस परिवार के सदस्य सिर्फ हिंदी और मारवाड़ी भाषा में ही बात करते हैं, टीवी पर भी हिंदी भाषा में ही शो देखते हैं। नेक्स्ट इज चंद्रवीर। दोस्तों मैनपुरी का एक मामला सामने आया, जिसमें 8 साल के चंद्रवीर ने बताया कि वो पिछले जन्म के रोहित हैं। जब चंद्रवीर अपने पिछले जन्म के माता पिता से मिले तो उसने तुरंत उन्हें पहचान लिया और उनके पैर भी छुए। साथ ही चंद्रवीर को अपने पिछले जन्म की अनेकों बातें याद आई, जिसने उसे सबको बताया। आखिर में लोग इसे निष्कर्ष पर पहुंचे कि ये चंद्रवीर का पुनर्जन्म था। इस घटना से चंद्रवीर के गांव में भीड़ भी उमड़ आई। नेक्स्ट इज दीप कपाड़िया। दोस्तों सन 1979 को मुंबई में जन्मे दीप कपाड़िया ने बचपन से ही अचानक मारवाड़ी भाषा बोलनी शुरू की, जबकि उनके परिवार में कोई भी मारवाड़ी भाषा नहीं बोलता था। साथ ही इस बच्चे ने अपने पिछले जन्म की कहानियां भी बताई। जब इन्हें अपने पिछले जन्म के घर उदयपुर में ले जाया गया तो सारी चीजें वैसी थी जैसे इन्होंने बताई। नेक्स्ट इज कार्तिकेय। इलाहाबाद के रहने वाले कार्तिकेय ने दावा किया कि ये उनका पुनर्जन्म है। इन्होंने बताया कि राजस्थान के रहने वाले थे, मात्र 4 साल की उम्र में इन्होंने अपने पिछले जन्म की बातों को दोहराना शुरू किया और आखिर में इन्होंने अपने पिछले जन्म के माता पिता को भी पहचान लिया, जिसके बाद इनकी माँ की आंखों में आंसू आ गए। तो दोस्तों इस तरह पुनर्जन्म से जुड़ी एक नहीं बहुत सारी कहानियां हैं और आए दिन नई नई कहानियां सामने आती रहती हैं, जिसे सुनकर लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और अगर आपके आसपास किसी का पुनर्जन्म हुआ है तो कमेंट्स में आप उसकी स्टोरी बता सकते हैं। धन्यवाद।